भाइयों और उनकी बहनों, हेलो। अगर मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूं कि WWE का सबसे वर्स्ट गेम कौन सा गेम है, तो आप लोग कहोगे कि यार सबसे वर्स्ट गेम WWE का वो है भाई 2K20। तो यार देखो, आप लोग का कहना सही है कि WWE 2K20 बहुत ही वर्स्ट गेम है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्लीचेस थे और भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम थे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि नहीं यार, WWE का सबसे वाहियात गेम WWE 2K20 नहीं है, इससे भी वाहियात गेम हमारे WWE के हिस्ट्री में एक गेम आ चुका है। 2K वालों ने उस गेम को बना चुका है, रिलीज कर चुका है। तो यार आप लोग का क्या रिएक्शन होगा? बट भाई ये सच है, WWE 2K20 से भी एक वर्स्ट गेम है, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और उस गेम का नाम है WWE 2K। बहुत लोग यार इस गेम से अनजान नहीं होंगे, इस गेम को पहले कभी खेले होंगे, क्योंकि ये थोड़ा पुराना गेम है WWE 2K, और ये गेम 2015 में रिलीज हुआ था। चलो भाई, आज फाइनली ये पुराने गेम को हम लोग अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लिए हैं, और ये गेम जो है ना WWE 2K, इसको स्पेशली जो है एंड्रॉयड और ISO के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि यार WWE के 2K जो गेम्स है वो यार सिर्फ PS4 और Xbox के लिए आते हैं। तो 2K वालों ने सोचा यार कि भाई कुछ एंड्रॉयड वालों का भी कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए इन लोगों ने भाई एंड्रॉयड के लिए भी एक WWE 2K गेम को रिलीज़ किया। और एक खास बात बताओ, इस गेम के कवर सुपरस्टार हमारे जॉन सीना है। वैसे ये गेम CD में नहीं आया था, एंड्रॉयड के लिए आया था, लेकिन भाई फेस पे देखो भाई जॉन सीना है, तो जैसे 2K23 में हमारे सीना है ना कवर सुपरस्टार, वैसे WWE 2K के भी है। और ये बहुत ही ज़्यादा वाहियात गेम है, यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वाहियात क्यों है, अभी धीरे धीरे इस चीज़ का खुलासा करेंगे इस वीडियो में। तो सब लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये देखो पूरा WWE 2K का मेन फेस देख रहे थे, ऊपर WWE 2K20 लिखा है, प्ले का बटन है। चल भाई प्ले करते हैं फटाक से, मुझे देरी नहीं करना। और इस गेम को मैंने इस टाइम इसलिए डाउनलोड किया है ना, क्योंकि यार इसमें बहुत सारे पुराने सुपरस्टार्स हैं WWE, क्योंकि 2015 का ये गेम है, तो सारे 2015 के सुपरस्टार्स हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो भाई, इसमें से 3 टाइप के मैचेस हम लोग करवा सकते हैं, स्टैंडर्ड, केज और नो डिस्क्वालिफिकेशन, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। भाई सस्ता गेम है ना, इसलिए मैंने कहा ना सबसे वर्स्ट गेम है WWE का ये। अब देखो, अब आते हैं सुपरस्टार्स, ठीक है। चलो मैंने स्टैंडर्ड मैच लगा दिया। तो सबसे पहले भाई साहब बैरेट मिल जाते हैं हम लोग को, भाई साहब बैरेट 25 था। और देख लेते कौन कौन से सुपरस्टार्स है, बिग शो, ब्रे वाइट, ब्रॉन स्ट्रोमन, सिज़ारो, डैनियल ब्रायन, और भाई साहब हमारे WWE के, अरे AEW के डीन एम्ब्रोस भी हैं। अरे यार सच में यार, हल्क होगन, जॉन सीना, केन, रैंडी ऑर्टन और रोमन वेंस भी हैं। और रोमन वेंस हमारे वो वाले रोमन नहीं, अभी वाले रोमन नहीं है, ट्राइबल चीफ वाले रोमन नहीं, शील्ड वाले रोमन है, शील्ड वाले रोमन। वाह भाई बढ़िया है, ट्राइबल चीफ नहीं थे इस टाइम रोमन हमारे। रूसेव है, सेथ रॉलिंस है, शीमस है, स्टिंग है, ट्रिपल एच है, अंडरटेकर है, बस और नहीं है। मतलब बहुत सारे सुपरस्टार को इसमें मिसिंग है, सारे सुपरस्टार को इसमें ऐड नहीं किया गया है। आप सबके पुराने यादें यार ताज़ा हो गई ना, स्टिंग देखो यार, स्टिंग तो आजकल के गेम्स में है ही नहीं यार, स्टिंग नहीं है, डीन एम्ब्रोस नहीं है, रूसेव नहीं मिलते, डैनियल ब्रायन नहीं, सिज़ारो नहीं, बिग शो भी नहीं है, बैरेट भी नहीं है, तो यार बहुत पुराने ब्रे वाइट भी है। तो चलो भाई पहला मैच हम लोग स्टार्ट करते हैं, गेम प्ले भी करेंगे। तो हम लोग सोच रहे भाई ऐसे सुपरस्टार्स को लेते हैं ना जिनको अभी तक हम लोगों ने लिया नहीं है, मतलब जो अभी के टाइम पे हम लोग को मिलते नहीं है सुपरस्टार्स 2K के गेम्स में। तो चलो ब्रे वाइट वर्सेस स्टिंग का करते हैं। स्टिंग मिले नहीं है 2K22 और 2K23, तीनों में नहीं मिले हैं, तीनों में 2K20, 2K22, 2K23 तीनों में नहीं है, स्टिंग में नहीं है, ब्रे वाइट भी नहीं है। ब्रे वाइट वर्सेस 2K23 में आने वाला है उसमें। लेकिन चलो भाई अब गेम प्ले देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गेम को मैं सबसे वाहियात गेम क्यों बोलता हूँ 2K का, क्योंकि देखो ये गेम एंड्रॉयड का है और इस पे 2K वालों ने कसम से कुछ भी नहीं दिया है। जो जो फीचर्स जैसा जैसा हम लोग भाई अटैक हम लोग 2K20 में करते हैं ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है यार ये इस गेम में। चलो भाई पहले तो एंट्रेंस देख लेते हैं, एंट्रेंस कैसा है। तो चलो सबसे पहले हमारे ब्रे वाइट आ रहे हैं। वाह भाई, आई एम हियर, भाई साहब ब्रे वाइट, द वाइट फैमिली, और भाई साहब भूत गया बत्ती, और आ चुके हैं हमारे ब्रे वाइट। भाई एंट्रेंस अच्छा है, एंट्रेंस में मैं नहीं कहूँगा कि यार 2K वालों ने कुछ भाई कमी छोड़ा है, एंट्रेंस बहुत ओपी है। लेकिन यार एंट्रेंस में ना एक चीज़ की कमी है, एंट्रेंस पूरा नहीं है, बहुत थोड़ा सा एंट्रेंस दिखाते हैं। देखो बस इतना सा दिखाएंगे, बस 10-15 सेकेंड का एंट्रेंस डाला है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर देखो बस अब इतना ही डालेंगे फिर ख़त्म। चल भाई लेकिन बढ़िया है, बढ़िया है, एंट्रेंस से ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, गेम प्ले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं हमारे स्टिंग। मैंने दो ऐसे सुपरस्टार्स लिए जिनको अभी तक 2K में अब हम लोग को देखने को नहीं मिलते यार। स्टिंग तो अब AEW के हो चुके हैं। चल भाई स्टिंग आ गए हैं,
और फाइनली द स्टिंग इज हियर। भाई सब ग्राफिक्स गेम के अच्छे हैं, ग्राफिक्स में गेम की कोई कमी नहीं है, भाई गेम प्ले बहुत घटिया है। गेम प्ले अभी देखना यार, गेम प्ले में कुछ भी नहीं दिया है 2K वालों ने। आज WWE 2K खेल रहे हैं और भी एक मैच और खेलेंगे इसके बाद। पहले तो यार अभी खेलना है, मैंने ना ये गेम पहले खेला हुआ है, ये गेम मैं पहले खेल चुका हूँ 2018-17 के टाइम अपने एंड्रॉयड में डाउनलोड करके। चल भाई मैच स्टार्ट हो गया, मुझे कंट्रोल्स याद है, कंट्रोल्स मेरा इतना ख़राब नहीं है। चल भाई लेकिन स्टिंग नहीं पेलना स्टार्ट कर दिया, रुक जा भाई। बहुत करीब ना मैं इस गेम को खेले हुए ना 2.5 साल हो गया, तो कंट्रोल थोड़ा सा भूल गया हूँ, बट रुक जा भाई अभी कंट्रोल में सीख जाऊँगा। एक चीज़ बताओ, इस गेम में ना जैसे 2K के गेम्स में कंट्रोलर होता है ना PS5 में, वैसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोलर है ही नहीं, देख रहे हो स्क्रीन में ना तो बटन है ना तो कुछ है, बस भाई ऐसे बस हाथ से दबाना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे वर्स्ट गेम है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और बताऊँ इस गेम में क्यों मैं वर्स्ट बोल रहा हूँ, इस गेम में हम लोग रिंग से बाहर नहीं जा सकते, सब कुछ रिंग में ही करना पड़ेगा, रिंग से बाहर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल रद्दी चीज़ दिया गेम प्ले में ना। भाई ये गेम में ना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है, गेम प्ले में ना कुछ मज़ा नहीं है। चलो हम लोगों ने स्टिंग को मारना स्टार्ट कर दिया है और इसमें जो अटैक्स भी ज़्यादा दिए नहीं है, अटैक्स भी देख रहे हो गिने ही चुने हैं। चलो फिर से देते हैं, इस बार रिवर्स कर दिया। पता नहीं यार इस गेम में रिवर्स कैसे होता है ना, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस गेम में रिवर्स होता कैसे। चलो फिर से अटैक, फिर से रिवर्स कर दिया स्टिंग ने, देख रहे हो भाई अटैक कर रहा हूँ लेकिन रिवर्स हो जा रहा है। बट चलो अभी कुछ करते हैं, पहला मैच जीतूंगा। फिर से रिवर्स, अरे यार सिग्नेचर आ गया स्टिंग के पास, कांड हो गया है, सिग्नेचर कांड के हो गया है भाई, सिग्नेचर आ गया स्टिंग के पास, अब ये हम लोग को पेलने वाला है। और ये भाई WWE 2K है तो इसमें एक ही फिनिशर में काम तमाम हो जाएगा। और भाई लो भाई जिसका डर था वही हुआ, फाइनली सिग्नेचर पेल दिया यार स्टिंग ने, और फिनिशर भी आ गया है, ओ माई गॉड फिनिशर आ गया भाई, काम तमाम है, फिनिशर इसने पेला ना भाई, गया मैं फिनिशर नहीं। और देखो यार इसी का डर था, उठते मानी साला भैया बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, अरे यार गया मैं, पिन करने वाला, अब ये पिन करेगा, अबे उठ जा जल्दी से ब्रे वाइट, उठ जा यार, क्या यार भाई साहब स्टार्टिंग में ही मैंने हग दिया, कवर कर रहा है जल्दी से, किक आउट, चलो भाई साहब किक आउट कर दिया यार, फिनिशर पे किक आउट कर दिया, एक फिनिशर पे किक आउट कर सकता, अरे भाई स्पेयर पेल दिया, अरे पहले फिनिशर पे किक आउट कर जाओगे यार, अगर बड़े अगर खेलना आता है ना तो किक आउट कर लोगे। चल भाई अब हम लोग की बारी है, अब मैं बताता हूँ, रे भाई चलो फाइनली हम लोग के पास सिग्नेचर आ गया है, सिग्नेचर आ गया है, चल भाई सिग्नेचर फटाक से लगाते हैं, और भाई साहब चलो पावर बढ़ाते हैं इससे, सिग्नेचर फिनिशर जब लगाते हैं ना तो पावर बढ़ाना पड़ता है, जैसे साइड में देखे होगे पावर बिल्कुल फुल कर दोगे ना तो यार बहुत भयंकर लगता है सुपरस्टार को। तो चलो मारा हम लोगों ने भी बढ़िया सिग्नेचर, लेकिन फिनिशर नहीं आया यार, स्टिंग ने लगता है हम लोग को ना पूरा पावर बढ़ा के मारा था सिग्नेचर, तभी उसको तुरंत फिनिशर मिल गया, मैं पूरा पावर फुल नहीं कर पाया इसलिए मुझे फिनिशर नहीं मिला। बट चलो सही है, गेम प्ले तुम लोग देखो यार, और कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोग को यार गेम प्ले कैसा लगा, गेम प्ले मतलब गेम कैसा लगा, और इस गेम को तुम लोग भी एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हो। ये गेम ना 2015 में रिलीज हुआ था, उस टाइम ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, और करीबन 2017 तक ये गेम प्ले स्टोर पे अवेलेबल था, लेकिन अब तुम लोग जाके देखोगे ना तो ये गेम अब प्ले स्टोर पे भी नहीं है, क्योंकि यार ये गेम इतना घटिया है ना कि प्ले स्टोर वालों से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भी इस गेम को भाई हटा दिया है प्ले स्टोर से। लेकिन इसको यार कोई दूसरा दूसरे साइट से डाउनलोड कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है इस गेम को, ये मतलब गेम इतना घटिया है ना कि प्ले स्टोर वालों को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये गेम जानते हो इतना घटिया है, और तब भी 2K वालों ने जब ये गेम प्ले स्टोर पे अवेलेबल था ना भाई, 600 रुपये का ये गेम था, जैसे एक गेम होता है ना जो पेड होते हैं, जैसे GTA वाइस सिटी, GTA सैन एंड्रियास, जैसे प्ले स्टोर पे पेड है। अबे मैच हार रहा हूँ, अबे सालो बी यार, ओबी रात यार भाई, बात करने के चक्कर में मैच ही हार गया, पहला मैच हार गया भाई WWE 2K में, घटिया गेम, घटिया मैच और घटिया गेम प्ले, और मैच भी आ रहा, बट यार क्या ही कर सकते हैं। लेकिन यार फिनिशर सिग्नेचर लगाया, फिनिशर नहीं लगा पाया, एक फिनिशर लग गया तो काम तमाम कर देता, बट फिनिशर नहीं लग पाया, क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो एक गेम प्ले और करते हैं फटाक से, एक गेम प्ले और, अभी तो ब्रे वाइट वर्सेस स्टिंग का, क्या एक रोमन विंस का मैच करवाया जाए क्या, एक बार रोमन विंस का एंट्रेंस देख लेते हैं। वैसे रोमन वेंट्स था इसमें बिग डॉग वाले कैरेक्टर में नहीं आएंगे, शील्ड वाले कैरेक्टर में आएंगे, क्योंकि 2015 में रोमन वेंट्स हमारे शील्ड के मेंबर थे। ठीक है चल भाई एक गेम प्ले हम लोग फटाफट एक और कर लेते हैं, और इस बार हम लोग मैच सिंगल्स कर सिंगल्स ये तो बस तीन टाइप का मैच ही कर सकते हैं इस बार, डिस्कॉल नो डिस्कॉलिफिकेशन करते हैं।
ठीक है, तो इस बार डीन एम्ब्रोस लेते हैं, क्योंकि डीन एम्ब्रोस यार 2K20 में भी नहीं है, 2K22 में भी नहीं है, 2K23 में भी नहीं है, तो पुराने यादों को ताज़ा करते हैं। तो डीन एम्ब्रोस ले लेते हैं, और अपोनेंट में मैं डीन एम्ब्रोस लेता हूँ। सामने अपोनेंट में किसको लिया जाए, बिग शो को ले लेते हैं यार, बिग शो नहीं मिलता। एरिना में सिर्फ चार ही एरिना है, चल भाई इस बार स्मैकडाउन लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, और इस बार डीन एम्ब्रोस और बिग शो का मैच देखते हैं। वैसे रोमन को भी ले सकता था यार, बट रोमन को बहुत देख चुका हूँ यार, पक गया हूँ रोमन को देख देख के। ठीक है, अब चल भाई डीन एम्ब्रोस का एंट्रेंस देखते हैं। तो डीन एम्ब्रोस आ रहे हैं क्योटो द शील्ड, वाह भाई एंट्रेंस अच्छा है, एंट्रेंस में कोई कमी नहीं है। ग्राफिक्स गेम के अच्छे हैं, बस भाई गेम प्ले में थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था 2K वालों को। अब इस गेम का एंट्रेंस भी नहीं आएगा, और फाइनली भाई डीन एम्ब्रोस आ गए हैं, WWE यूनिवर्स के बीच से आ रहे हैं। अच्छा है भाई, ऐसा ही सेम टू सेम सेथ और डीन एम्ब्रोस, सेथ और रोमन का भी एंट्रेंस है। अब आ रहे हैं हमारे द बिग शो, 2015 के सबसे जायंट सुपरस्टार, और बिग शो आ रहे हैं, इनका भी एंट्रेंस ओपी है। एंट्रेंस पूरा नहीं है, पूरा रिंग तक एंट्रेंस नहीं दिखाता, बस देखो यहीं पे दिखाएगा फिर कट, यही ये भी थोड़ा सा खराब है, बट चलो एंट्रेंस पे इतना ना ध्यान दे यार। अब चलो यार देखो, पिछला वाला मैच हार गए, ये वाला मैच किसी भी तरह जीतना है, तो इस मैच में पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और आप में से कितने कितने लोगों ने ये मैच को खेला है, मतलब ये गेम को खेला है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, कमेंट सेक्शन में बताना, और अपना रिव्यू भी देना है कि आखिर आपको ये गेम लगा कैसे। ठीक है, तो चलो अब इस बार हम लोग बिग शो को मारेंगे यार, इस बार हारना है, इस बार जीतना है यार। पहला मैच हार गए, सेकंड मैच जीतना है। देखो भाई मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, तो इसमें चेयर और कैंडल स्टिक आ गया है। नो डिस्क्वालिफिकेशन में यही है बस कि चेयर और कैंडल स्टिक मारना है, कैंडल स्टिक मिल जाएगा बस तुम्हें, रिंग से बाहर निकल नहीं सकते। और गेम में यार कमेंट्री भी नहीं डाला है, थोड़ा बहुत कमेंट्री भी डाल देना चाहिए था। वाह भाई स्टील चेयर देख रहे हो कैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई मैं कोई खिलौने वाले स्टील चेयर से मार रहा हूँ। फिर सब कैंडो स्टिक से, वाह भाई बिग शो लग रहा है कुछ करने ही नहीं आया मैच में, देख रहे हो इतना आराम से मार रहा हो बिग शो को, यही 2K20 और 2K23 में मारना था आसान नहीं। और इतना जल्दी सिग्नेचर भी आ गया, इतना जल्दी मेरे पास सिग्नेचर भी आ चुका है भाई लोग। अब देखते हैं भाई डीन एम्ब्रोस का सिग्नेचर क्या होगा यार, देखो मुझे मालूम नहीं डीन एम्ब्रोस का सिग्नेचर क्या है, आप लोग को मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। चल भाई लेट के लगाएगा यार, मुझे लगा था खड़ा होकर डर्टी डीड्स लगाएगा, डर्टी डीड्स मेरे हिसाब से नहीं होगा। और ये भाई सिग्नेचर डीन एम्ब्रोस का क्या है यार ये, अबे सबमिशन लॉक है क्या, गला चाप रहा है भाई, ऐसा डीन एम्ब्रोस सिग्नेचर था उस टाइम का, उस टाइम में यार इतना डब्लू ओ फिनिशर भी आ गया है, चलो फिनिशर भी लगा देते हैं। और फाइनली डीन एम्ब्रोस का फिनिशर, अबे ये कैसा फिनिशर है, डीन एम्ब्रोस उस टाइम डर्टी डीड्स नहीं लगाता था, अबे ये तो अरे यार नी अटैक टाइप का कुछ लगाया डीन एम्ब्रोस ने। चल भाई पिन करते हैं, 1, 2 and 3 गजब भाई, ये डीन एम्ब्रोस का फिनिशर कुछ को सिमिलर था रैंडी ऑर्टन के फिनिशर से, पर यार ये वाला मैच बहुत जल्दी खत्म कर दिया बहुत जल्दी कुछ करने ही नहीं दिया बिग शो को। चलो यहाँ पे कुछ मिला, कॉन्ग्रेट्स, अच्छा कस्टम सुपरस्टार का भाई अटायर मिल गया, चलो मूछ मिल गया। चल भाई WWE 2K, अब आप लोग देख रहे हो यार ये गेम प्ले देख के बताओ कि यार ये गेम को सबसे वर्स्ट गेम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि देखो यार देखो पहले अगर इस गेम को तुम एक दो बार खेलोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा, बट यार हमेशा नहीं खेल सकते, उसके बाद बस जानते हो एक दो मैच खेलोगे तुम्हें मज़ा आएगा, फिर यार तुम्हें बोरियत लगने लगेगा, और यही चीज़ है, इसलिए इस गेम को मैं द वर्स्ट गेम कहता हूँ WWE 2K का, सबसे वर्स्ट गेम यार, कुछ नहीं है इस गेम में, और कुछ है ही नहीं। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना है कि यार ये गेम प्ले कैसा लगा, कमेंट्री कैसी लगी, और इस गेम के बारे में कुछ अपना भाई कुछ अपना भी बताओ कुछ कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और मेरी वीडियो देखते रहो, बिकॉज अभी इस चैनल पे ना बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।